चलिए लेकर लेते जाइए आगे, जाइए जाइए पीछे एकदम। दो लाइन दो लाइन दो लाइन कीजिए। Thank you.
तो फाइनली जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी हमारे अर्पण कुमार जी का ये रिसीविंग हम रिसीव कर लिए और अभी जस्ट कलश यात्रा में आए हुए हैं और ये देख सकते हैं हम लोग अभी शायद कोयल नदी के समय पहुंचने वाले हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और पीछे हमारे एलके ब्लॉगर हैं तरह से लोग वजन तो एलके ब्लॉगर से हम पूछना चाहेंगे कि क्या कैसा दृश्य है ये। बहुत भव्य दृश्य है और बहुत ही हम लोगों को मतलब कह सकते हैं कि हमारे गांव में जो शिव मंदिर है दुर्गा हर कृष्ण वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आज कलश यात्रा का आयोजन हो रहा था और हम लोग नदी कोयल नदी के किनारे पहुँच चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और ये ऐतिहासिक पल है। यहाँ देखो मामी इधर ये कुसुम और हम लोग सब परिवार आज कलसा यात्रा में भाग लिए हैं। वाइफ है कुसुम आ करो रे देखिए और ये हमारे सुपुत्र और वाइफ की लोग देवर लोग हैं जो कि थोड़ा सा हाय के लिए के तो रास्ता थोड़ा सा संकीर्ण है यानी कि खराब रास्ता है दिक्कत है आने जाने में और यहाँ देखिए आप कंटिन्यू ब्लॉक पर गिर रहे थे भी बने रहिएगा। क्या करना तुमको तो पहले ही बोले थे जी सब कर लेना चाहिए। कोयल नदी के बीचों बीच खड़े हैं और जैसा कि सभी श्रद्धालु भक्त पूजा अर्चना में लीन है पंडित जी का मंत्रोच्चारण किया जा रहा है और सभी यहां से कलश में जल को भरेंगे और स्वतः झरीवा शिव मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये आप सबों को मैं बता दूं ये सुवा कोड़िया के लिए ऐतिहासिक पल के दृष्टि में देखा जाएगा। 600 के आसपास ये सभी क्या बोलते हैं 600 के आसपास हमारे सभी माताएं बहने भाई बंधु जो भी श्रद्धालु भक्त हैं सभी कलशा उठाए हुए हैं और ये जो कि आप देख पा रहे हैं हमारे एक नौवा हजाम है। हेलो ए चश्मा वाले ब्लॉग हेलो सुनने नहीं कर रहा वो बड़ी मज़ा ले रहा है और पता नहीं और पूरा मैंने मजाक तौर पे लेके और मजा ले रहा है पता नहीं क्या सोच के हंस रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा इसीलिए। अच्छा नमस्कार नमस्कार आप इतना खुश हैं क्या रीज़न है? रीज़न मेरा यह है इतना उमंगित
भीड़ को देखकर, कलशधारियों को देखकर इतना दिल मतलब गदगद है, इसीलिए एकदम मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सनातन धर्म का आदमी हूँ। जय हिंद। जय हिंद। लेकिन हमको तो लगा दी हम मोबाइल से, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो पूजा अर्चना कराए हैं, वो भी लगे हुए हैं रील में शायद, और हमारे बहुत से ऐसे ब्लॉगर हैं जो कि हम दिखा नहीं पाएंगे और सभी लगे हैं। तो देखिए, चलिए, सोशल मीडिया का दौर है, सभी चाहता है अपना यूट्यूब प्लेटफार्म पे आना, तो अच्छी बात है। हम भी आए हुए हैं, मेरे 3 साल हो गया, कुछ कहीं नहीं हुआ, लेकिन यादगार के तौर पे हम लोग वीडियो डालते रहते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। ये हमारे क्या नाम है, उमेश प्रसाद गुप्ता जी हैं, और ये भी एक सनातनी हैं और बहुत अच्छा है, जो कि अपना काजभार को छोड़ के आज इस कोयल नदी के प्रांगण में उपस्थित है। और ये हमारे विजय ठाकुर जी हैं, स्वतः हम भी ठाकुरे जी हैं, हम लोग भी, आज फ्राइडे है, यानी कि फ्राइडे का कच्चा कच बाल कटिंग होता, लेकिन अफसोस है जी, धर्म को अगर मजबूत करना, ये सब चीज देखने को जल्दी कभी नहीं मिलता, नहीं मिलता है। और हम लोग
ये सदस्य इधर देखो गण, सभी ग्राम के लोग, जितने भी श्रद्धालु।